ये फिल्म एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, वह जन्म से ही हवा में उड़ने लग जाता है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम तानिया होता है। आज ही उसका डिलीवरी का टाइम भी होता है। उस वक्त तानिया की मॉम मीना भी उसके साथ होती है। तानिया की हालत खराब होने लगती है और उसकी माँ उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाती है। रात बहुत हो चुकी थी और हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर मौजूद नहीं होते। वहाँ पर एक नर्स होती है जो तानिया की डिलीवरी कराती है। तानिया का बच्चा पैदा हो जाता है। उस बच्चे को देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। उस बच्चे को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। तानिया भी देखकर काफी हैरान हो जाती है। तानिया अपनी माँ को कहती है कि हमारे घर एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन तानिया की माँ एक एक्सपीरियंस और समझदार औरत होती है। वह समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है। ऐसा ही होता है क्योंकि वह बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा होता है। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं और तुरंत हॉस्पिटल को छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझाती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है। लेकिन वे उसकी एक भी नहीं सुनते और हॉस्पिटल छोड़कर घर आ जाते हैं। अब तानिया की माँ उसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वह पूछती है कि याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन तानिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। हमें इस बात को राज ही रखना पड़ेगा। अगर इस बात का किसी को भी पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वे बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं और बच्चे का नाम ऑस्कर रख देते हैं। ऑस्कर सच में ही नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब वे लोग उसे अकेला छोड़ते हैं तो ऑस्कर छत से ही चिपक जाता है और काफी देर तक वहीं पर चिपका रहता है। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए बहुत से बेड बनाती है ताकि वह बच्चा जमीन पर ही रह सके। छत को भी उसकी नानी काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इस बच्चे को बाहर अकेला छोड़ा तो यह हवा में ही उड़ जाएगा और दूर कहीं स्पेस में ही चला जाएगा। वे लोग ऑस्कर के लिए काफी केयरफुल होते हैं और उसकी माँ और नानी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है। वह घर के अंदर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे घर से बाहर जाने नहीं देती। घर पर रहकर वह ज्यादातर टीवी पर सुपरमैन के कार्टून ही देखता रहता है, इसीलिए वह खुद को भी सुपरमैन इमेजिन करने लगा था। इससे वह बहुत परेशान हो जाता है। वह कई बार वह अपनी मम्मी तानिया से पूछता है कि वह लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वह उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अक्सर खिड़की से बाहर लोगों को देखता रहता है। वह अपने जैसे बच्चों को भी खेलते देखता है। ऑस्कर हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता है। वह उनकी आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता है। वह सोचता है कि वह हमेशा के लिए घर में कैद रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की कैद से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वह काफी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी घर की सारी खिड़कियों को सील कर देती है। ऑस्कर की नानी ऑस्कर को समझाती है कि वह घर के बाहर कभी नहीं जा सकता। उसकी नानी उसे कहती है कि वह घर पर ही रहकर पढ़ाई करे। अगर वह घर के बाहर गया तो वह हवा में ही उड़ जाएगा। ये सब सुनकर उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम कब तक इसे कैद में रखेंगे, एक ना एक दिन इसे बाहर जाना ही होगा। ऑस्कर की माँ ऑस्कर के लिए एक जैकेट लेकर आती है। जैकेट की पॉकेट में वह दो बड़े पत्थर रखती है ताकि वह हवा में ना उड़ सके। ऑस्कर की माँ अपनी माँ की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को घर से बाहर जाने देती है। वह ऑस्कर को हिदायत देती है कि वह सुपरमैन की तरह अपना ये राज किसी को भी ना बताए, वरना वह कभी भी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ कुछ सामान खरीदने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम इगाता होता है। इगाता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वह ऑस्कर पर काफी गुस्सा करती है और ऑस्कर को दो बड़ी बोतलें दे देती है। इगाता ऑस्कर से कहती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम ये सामान मेरे साथ मेरे घर लेकर चलोगे। ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन इगाता उसे इसके लिए बहुत जिद करती है तो वह मान जाता है और अपनी माँ को बिना बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर ऑस्कर को काफी हैवी महसूस होता है, इसीलिए उन पत्थरों को अपनी जेब से निकाल देता है। इगाता अपने घर पहुंच जाती है और उसे अपनी दोनों बोतलें मांग लेती है, लेकिन ऑस्कर इनकार कर देता है। उसे पता होता है कि अगर उसने इन पानी की बोतलों को इगाता को दे दिया तो वह हवा में उड़ जाएगा। इगाता को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वह ऑस्कर से बोतलें छीन लेती है जिस वजह से ऑस्कर हवा में उड़ जाता है।
वह जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसीलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। एगाता ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है, ये सुनकर एगाता अपने रूम में जाती है और एक पिंक कलर का बैग ले आती है जो पत्थरों से भरा हुआ होता है। उस भारी बैग की मदद से ऑस्कर नीचे आ जाता है। इस तरह उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एगाता से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट ही रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से ऑस्कर की माँ और उसकी नानी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वे दोनों उसे काफ़ी ढूंढती हैं। वे दोनों ये सोच लेती हैं कि वह हवा में कहीं उड़ तो नहीं गया है, क्योंकि ऑस्कर की माँ ने जो पत्थर उसकी जेब में रखे होते हैं उसको वे बाहर गिरे हुए मिलते हैं। तभी ऑस्कर उसी बैग के साथ अपने घर आ जाता है जो उसे एगाता ने दिया होता है। ऑस्कर अपनी माँ को एगाता के बारे में बताता है। उसकी माँ उससे पूछती है, कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बताया? लेकिन ऑस्कर अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। ऑस्कर और एगाता कई दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अचानक ऑस्कर की माँ को एक दिन पता चल जाता है कि एगाता को उसके राज के बारे में पता है। उसी दिन के बाद ऑस्कर की माँ उसे एगाता से मिलने नहीं देती, जबकि कई बार एगाता ऑस्कर से मिलने उसके घर आती थी। मगर इसके बावजूद भी तान्या उसे दरवाजे से ही अपने घर को लौटा देती है, जिस वजह से उन्हें उनके आसपास के लोग हैरानी भरी निगाहों से देखने लग गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की माँ और उसकी नानी ऑस्कर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। तभी वह उसे घर से बाहर जाने नहीं देती और अक्सर स्कूल भी नहीं जाने देती, जिसके बाद लोग पुलिस को इसके बारे में बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आती है। पुलिस उन लोगों को वार्न करती है कि वे ऑस्कर को स्कूल भेजें, नहीं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मजबूर होकर उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। उसकी माँ भी उसके साथ स्कूल जाती है और उसे रोज घर लेकर आती है। फिर उसे इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, इसीलिए ये सब चीजें वेस्ट हैं। वह घर छोड़ने का फैसला करती है। वे लोग अपना घर छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहने लगते हैं। इस तरह काफी साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो चुका था, उसकी माँ भी बहुत बूढ़ी हो जाती है और ऑस्कर की नानी की भी डेथ हो चुकी थी। ऑस्कर के पास अब तक वह बैग होता है जो एगाता ने उसे दिया होता है। वह उस बैग को अब कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि वह उस बैग को अपने साथ लेकर ही सोता था। अब भी वह अपनी पुरानी लाइफस्टाइल ही जी रहा था। ज्यादातर वह अपना वक्त घर पर ही गुजारता था। ऑस्कर की माँ और ऑस्कर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से तंग हो गया था। इस राज को छुपाते हुए काफी परेशान हो गया था। वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वह थोड़ी देर में ही दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। जैसे सुपरमैन हिट हो गया, वह भी हिट हो जाएगा। उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी माँ का मानना था कि अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वह ऑस्कर को खो देगी, इसीलिए ऑस्कर अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है। लेकिन एक दिन उसका ये सब्र भी खत्म हो जाता है। वह अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। वह एगाता का दिया हुआ बैग अपने साथ रखता है। फिर वह एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों का टैलेंट दिखाया जाता है। वह पहली बार अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है। उसी रात वह शो हिट हो जाता है। उसकी माँ यह शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऑस्कर को टीवी पर देख लिया था। ऑस्कर अब फेमस हो चुका था। एक दिन डेविड नाम का आदमी उससे मिलता है। असल में वह आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट होता है। वह ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी फेमस होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर देता है जहाँ पर वह रह सकें, और इसके बदले वह ऑस्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था, इसीलिए वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वे दोनों बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है। आगे चलकर ऑस्कर का नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी पड़ जाता है। वे लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि वह जो सपना अपने बचपन में देखा करता था सुपरमैन हीरो बनने का, वह सुपरमैन हीरो नहीं बन पाया, बल्कि वह एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए कभी मैजिक शो में बुलाते हैं तो कभी फोटो शूट कराते हैं। फिर धीरे धीरे आगे चलकर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। हालांकि
उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी थी जिसमें उसकी नानी और उसकी माँ को बुरा दिखाया गया था। इसे ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जिसे पहनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वे कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। वो शो पर ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। ऑस्कर अपनी माँ को कहता है कि वह ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। ऑस्कर अपने एजेंट को कहता है कि मेरा काम बस यहीं तक था, अब मुझे और मशहूरी नहीं चाहिए, अब से वह ये काम नहीं करेगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इस काम को ऐसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन ऑस्कर अब इस काम से तंग आ चुका था। वह अपने एजेंट से कहता है कि वह लोगों से जाकर कह देगा कि द मैन ऑफ विदाउट ग्रेविटी मर गया है या कहीं हवा में उड़ गया है। वह अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वह अपनी एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। अगले दिन टीवी पर खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग उस पर तरह तरह की बातें करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेले रहने लगती है। कई विजिटर ऑस्कर के घर उसकी माँ से ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए आते रहते हैं। उसकी माँ लोगों को कुछ भी नहीं बताती और काफी साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। ऑस्कर की भी माँ की डेथ हो जाती है लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था और अलग लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजार रहा था। उसने अपनी बहुत बड़ी दाढ़ी रख ली थी और हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहता था जिससे दुनिया को उसके बारे में कुछ भी पता ना चल सके। वे अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त इगाता उसे मिलती है। वह ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है जो इगाता ने उसे बचपन में दिया होता है। अब तक इगाता की शादी भी नहीं हुई थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं लेकिन इगाता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि अब इगाता का करेक्टर अच्छा नहीं था। उसका मकसद पैसे कमाना बन गया था। जहाँ ऑस्कर जॉब करके पैसे कमाता था वहीं इगाता प्रोस्टिट्यूट का काम करके पैसे कमाया करती थी। यह देखकर ऑस्कर को अच्छा नहीं लगता। ऑस्कर कई दफा अपने दिल की बात इगाता को बताता है लेकिन वह काफी बदल चुकी होती है। वह उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला है। इगाता के बदलने का कारण यह था कि उसने काफी दुखों में अपनी जिंदगी गुजारी थी। ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला जाता है। वक्त के साथ साथ वे दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वह पहले रहा करते थे। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऑस्कर के लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।